नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं गरिमा भारती। अयोध्या भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आ चुका है। इसको लेकर बिहार के औरंगाबाद के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनसे सुनिए। कोर्ट के द्वारा राम मंदिर पर जो फैसला आया है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? ये अच्छा फैसला दिया है। कैसे? बहुत बढ़िया दिया है, इसलिए कि दोनों जो है ना, दोनों को एकदम मैंने एडजस्ट कर दिया है। इससे कहीं कोई विवाद ना, विवाद तो नहीं होना चाहिए। ये आम जनहित में फैसला है, देश हित में फैसला आया है और मैं इसे स्वागत करता हूँ। यह फैसला काफ़ी देर से आया लेकिन दुरुस्त आया है और भारत के हित में है और सबको स्वागत करना चाहिए। क्या नाम हुआ? चाहे वह किसी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो। देखिए, ये राष्ट्रीय हित में हमारे भारत वर्ष के जो इतिहास रहा है कि एक दूसरे धर्म के प्रति सौहार्द और प्रेम की भावना, इसको मद्देनज़र और हमारा देश सबसे ऊपर होना चाहिए। सबसे पहले न्यायालय, जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है, वो हमारे सर्वोपरि होना चाहिए और इसमें किसी धर्म संप्रदाय से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मेरा देश है, इसके बाद हम हैं, हम उसके नागरिक हैं, हमें इस फैसले का स्वागत करना चाहिए तथा मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि ये सभी लोग इसका पुरजोर स्वागत करें और एक दूसरे धर्म संप्रदाय के प्रति स्वागत का भाव रखें और एक दूसरे में भाईचारा बनाए रखें, यही मेरा आंतरिक इच्छा है और सभी से अपील है। हम भारत के एक नागरिक होने के नाते अपने देश के संविधान और कानून का सम्मान करते हैं और देश की समस्त जनता भी अपने कानून और संविधान का सम्मान करती है। यह न किसी का जय है और न पराजय है, यह वर्षों से लंबित एक उस राजनीतिक मुद्दे का विधि सम्मत अंत है और सौहार्द से इस देश का विकास और आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, इसका हम सभी का सम्मान और स्वागत करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमको, हम वहाँ गए थे, वहाँ मीडिया वाला भी लोग आया था, हम लोग बैठे कुर्सी पर बहुत देर तक, गाना भजन हो रहा था, और सब बोला, हम लोग पूछे ना तो पत्थर का निकासी सब देखे हम लोग। तो सुना आपने औरंगाबाद के लोगों ने क्या कुछ कहा है। औरंगाबाद से हमारे संवाद सहयोगी ने यह खबर हमें भेजी है, लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें भेजी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस खबर पर, वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।